हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। गाइस, कि आपको भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखना है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और चैनल पे पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना है डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस लेट्स बिगिन इन द वीडियो। नेक्स्ट में हम लोग को पिक्सार्ट ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सार्ट ऐप को आप के ओपन करने के बाद करना क्या, हम लोग को चल जाना है यहाँ से प्लस वाले सेक्शन पे एडिट फोटो पे, और हम लोग को वो फोटो को ऐड कर लेना है पिक्सार्ट ऐप में। तो मैं कर लेता हूँ फटाक से, जो कि ये रहेगा, मैं देख लेता हूँ। देख सकते हो गाइस, मैंने फोटो को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हेयर कलर को चेंज करने के लिए पहले तो करना क्या होगा, हम लोग को यहाँ से चल जाना है ड्रॉ टूल वाले सेक्शन पे। अब यहाँ से हम लोग को करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखना गाइस, अच्छा से देखना, बिना वीडियो को स्किप करके देखना और ध्यान से देखना, तो आप भी अपने फोटो पे कलर, हेयर कलर को चेंज कर सकते हो ईजिली। तो पहला स्टेप करना क्या होगा, यहाँ से जो हम लोग को ऊपर दिख रहा है गाइस कलर वाला सेक्शन, इस पर क्लिक करके आप अपना फेवरेट कलर को चूज कर लेना जो अपने हेयर पर अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, रेड रखूंगा मैं यहाँ से। यहाँ से रेड रखने के बाद डन कर लूंगा। फिर करना क्या, ब्रश वाले सेक्शन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले ब्रश पे क्लिक कर देना। यहाँ से साइज को अपने हिसाब से रख लेना है और हार्डनेस को कम कर लेना है, जूम एबिलिटी को ऑन कर लेना है, फिर यहाँ से बैक हो जाना। अब करना क्या, हम लोग को यहाँ से चल जूम करके अपने हेयर के ऊपर कुछ इस तरह से अप्लाई कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, आराम आराम से अप्लाई कर रहा गाइस। तो मैं कर लेता हूँ फटाक से। देख सकते हो, इस तरह से पेंट करने के बाद करना क्या है, यहाँ से हम लोग चल जाना पहले तो लेयर वाले आइकन पे, फिर यहाँ से हम लोग को एक हेयर का लेयर मिल जाएगा, देख सकते हो गाइस ऊपर वाला, इसको हम लोग को कर लेना है। यहाँ से नोर जो दिख रहा है ना गाइस, इसको हम लोग को सबसे डाउन में कर लेना है ओवरले। ओवरले जैसे ही करोगे गाइस तो देख सकते हो कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा। आपको करना क्या है, आप इसकी ओपेसिटी को कम बेसी करके अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ से जो लास्ट में सबसे दिख रहा है गाइस ओपेसिटी 100%, इसको हम लोग को क्लिक करके यहाँ से देख सकते हो जीरो में कुछ इस तरह का था, हल्का हल्का बढ़ाने के बाद देख सकते हो। आप इस तरह भी कलर रख सकते हो अपने हेयर का, इस तरह भी, मैं तो कुछ इतना ही रखूंगा। अब करना क्या है गाइस, मैं बता देता हूँ। अगर आप देख सकते हो गाइस कि मेरा इधर एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है हल्का हल्का, तो इसको इरेज करने के लिए करना क्या होगा, इरेजर वाले टूल पर क्लिक करके वही सेटिंग रखना है हम लोग को, साइज को हल्का बढ़ा लेना है, फिर यहाँ से बैक हो जाना है। करना क्या है, हल्का हल्का सिर्फ हम लोग को यहाँ से पेंट कर लेना है, और यहाँ से हल्का सा हम लोग को इरेजर पे जाके हार्डनेस को कम कर लेना है, फिर बैक हो जाना है। हल्का हल्का सा सिर्फ हम लोग को यहाँ से ब्लेंड कर लेना है, समझे ना गाइस। देख सकते हो क्या ऑसम लग रहा है। आप चाहो तो यहाँ से भी एक कुछ इस तरह का लाइन ड्रॉ कर सकते हो। हो गया गाइस, तो करना क्या होगा, यहाँ से डन करके हम लोग को डिस्कार्ड हो जाना है। अब करना क्या है, यहाँ से हम लोग चल जाना इफेक्ट पे, सैंपल पे, और एक हम लोग को फिल्टर को अप्लाई कर लेना, जो कि ये रहेगा, और यहाँ से डन करके बैक हो जाना। देख सकते हो क्या ये ऑसम लग रहा है। तो फोटो को सेव करने के लिए करना क्या होगा, ड्रॉ टूल में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके सेव इमेज कर लेना है, फोटो हो जाएगा सेव। तो कैसा लगा वीडियो गाइस कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना। चैनल पर पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर रख देना डेली इसी तरह का कॉन्टेंट देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय गाइस। परफेक्ट।